जो वर्णन आता है, नृसिंह मंदिर भीतर बाहर है शोधिल, भीतर और बाहर पूरा स्वच्छ किया, नृसिंह मंदिर को भीतर और बाहर पूरा स्वच्छ किया। तो हम अगर भगवान के मंदिर को भीतर से और बाहर से पूरा स्वच्छ करते हैं तो भगवान भी हमारे हृदय को भीतर और बाहर से स्वच्छ करते हैं ना। तो ये सिद्धांत जो है पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने कई पेजों में पृष्ठों में ये सिद्धांत दिया कि अगर हम भगवान का मंदिर स्वच्छ करते हैं तो हमारा हृदय स्वच्छ होता है, और इसमें जो कूड़ा करकट जो होता है तो हमारे हृदय के कुछ छोटे छोटे अनर्थ हैं, कुछ बड़े बड़े अनर्थ हैं, तो सब जो है दूर होते हैं। तो मंदिर की सफाई इस कारण से आवश्यक है। हम लोग रोज गाते भी हैं, श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगारितन मंदिर मार्जना दो, है ना। युक्तस्य भक्तांश नियोंजुतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं जो अर्चा विग्रहों की आराधना में लगे रहते हैं और दूसरे भक्तों को भी लगाते हैं, है? नाना श्रृंगारतन, नाना प्रकार का श्रृंगार भी, भगवान का नाना प्रकार का श्रृंगार करते हैं, और तन मंदिर मार्जना दो, और उनके मंदिर का मार्जन, है? तो भगवान के मंदिर का मार्जन आदो, आदो का मतलब है मार्जन आदि सब कार्य, है ना। तो मार्जन आदि सब कार्य में मंदिर का जो दूसरा हिस्सा है, भक्तों का आश्रम है, भक्तों के कमरे हैं, बाथरूम है, सब कुछ आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है, है ना। तो प्रभुपाद ने एक बार मायापुर में ऐसे भ्रमण करते करते अपनी छड़ी से टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, और टॉयलेट बहुत गंदी थी, हैं। तो प्रभुपाद ने अपने साथ में जो शिष्य थे उनसे पूछा कि ये क्या, ये टॉयलेट इतनी गंदी क्यों है। तो शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद वो स्वीपर नहीं आया है, कुछ इस तरह का उत्तर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर स्वीपर नहीं आया तो तुम लोग साफ करो। और प्रभुपाद ने ये पंक्ति दोहराई, मंदिर मार्जना दो। तो मंदिर का ये भी हिस्सा है, सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक